नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज के जीवन में हम सभी को बैंक की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, और ऐसे में जब कभी हम बैंक में काम के लिए जाते हैं तो ये पता होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि उस दिन बैंक खुला है या नहीं है। तो ऐसी ही आज हम एक बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं कि अगस्त में 17 दिन तक बैंक बंद रहने वाला है। तो किस किस तारीख को बैंक बंद रहने वाला है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल GDS खबर को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। बैंक एक ऐसा जगह है जहां हर किसी को जाना पड़ता है। हर महीने अगर आपको किसी काम से बैंक जाना है तो इस खबर को आप जरूर जान ले। इस महीने कुल 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में बैंक जाने से पहले यह जरूर पता होना चाहिए कि बैंक आज के दिन खुले हैं या नहीं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक हर दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहता है। 1 अगस्त को महीने का पहला शनिवार है, इस हिसाब से बैंक खुला रहना चाहिए, लेकिन शनिवार को बकरीद के कारण बैंक बंद रहेंगे। 2 अगस्त को रविवार है, इसलिए बैंक बंद रहेंगे। 3 अगस्त को रक्षाबंधन है जो पूरे देश में मनाया जाता है, इस दिन बैंक बंद रहते हैं। अगस्त के महीने का पहला सप्ताह 3 से 9 तारीख के बीच होगा। पहला 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 से 7 अगस्त के बीच 4 दिनों के लिए बैंक का कामकाज चलता रहेगा। 8 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए बैंक बंद रहेंगे, और 9 अगस्त को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। बात करें दूसरे सप्ताह की तो 10 अगस्त सोमवार से दूसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है जो 16 अगस्त तक रहेगा। सप्ताह के पहले दिन बैंक खुले रहेंगे और अगले दिन यानी मंगलवार 11 अगस्त और 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। 13 अगस्त को पेट्रियोट डे के मौके पर इम्फाल जोन में बैंकों में छुट्टी रहेगी। 15 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस है और यह नेशनल हॉलीडे है। 16 अगस्त को रविवार है। बात करें तीसरे सप्ताह की तो तीसरे सप्ताह की शुरुआत 17 अगस्त से हो रही है जो 23 अगस्त तक रहेगी। 20 अगस्त को श्रीमंत शंकरादेव की तिथि है, मौके पर 21 अगस्त को हरितालिका तीज के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी और महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए बैंक बंद रहेंगे। 23 अगस्त को रविवार के कारण फिर से बैंक बंद रहने वाले। बात करें चौथे सप्ताह की तो चौथे सप्ताह की शुरुआत 24 अगस्त से हो रही है जो 30 अगस्त तक रहेगी। इस सप्ताह में 29 अगस्त को कर्मा पूजा और मुहर्रम के चलते बैंकों में छुट्टी रहेगी। 30 अगस्त को रविवार है। 31 अगस्त को इंद्र यात्रा और ओणम के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। तो ये थी सारी जानकारी इस महीने के रिगार्डिंग कि इस महीने किस किस तारीख को बैंक बंद रहेगा। तो ये वीडियो आप उन सभी के पास जरूर शेयर करें जिनको भी इस महीने बैंक में काम है। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।